गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरपीएस ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्ट चैप्टर 15। द चैप्टर नेम इज एनिमल अराउंड अस। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको कौन सा लेसन पढ़ना है? चैप्टर 15। चैप्टर का क्या नाम है? एनिमल अराउंड अस। इसके पहले मैंने इस चैप्टर को आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था कि आपके चारों बगल कौन कौन सा एनिमल्स है ना, टाइप्स ऑफ एनिमल्स आपने पढ़ा, हम मैंने पढ़ाया था। सो स्टूडेंट्स, आप प्लीज ओपन पेज नंबर 68 एंड 69। आप अपने बुक के पेज नंबर 68 और 69 को ओपन कर लीजिए। मैं इस लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको मैंने जो लेसन, इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें क्या क्या था कि किस टाइप के एनिमल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स आप देखते होंगे कि जो बिग होते हैं, है ना, कुछ स्मॉल, और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो आपने पढ़ा था पेट एनिमल के बारे में, पेट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, है ना। और उसके बाद आपने वाइल्ड एनिमल के बारे में पढ़ा था। फिर आपने एक्वेटिक एनिमल्स के, पेट एनिमल्स जो आप अपने घर पे रखते हो, जिसको आप पालते हो, है ना, जैसे क्या हुआ, कैट हुआ, डॉग हुआ, रैबिट हुआ, है ना, या फिर क्या कहते हैं, पैरट, उसको आप पालते हैं, है ना। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो फार्म में रहते हैं, है फार्म में रहते हैं, वो आप लोग को क्या देते हैं, जैसे जो फार्म में रहने वाले एनिमल्स है उसमें काऊ हुआ, सीप हुआ, बफेलो हुआ, गॉट हुआ, ये सब है फार्म एनिमल्स। ओके, इससे आपको कुछ न कुछ मिलता है, जैसे काऊ से आपको मिल्क मिलता है, सीप से आपको ऊल मिलता है, गॉट से भी आपको मीट, और फिर क्या कहते हैं, ये मीट और मिल्क दोनों मिलता है। ओके, कुछ एनिमल्स होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो वो कहाँ पाए जाते हैं, जंगल में। ओके, और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो पानी में रहते हैं। ओके, तो आप ये पिछले टॉपिक में वीडियो में आपने देखा। आज आप लोगों को पढ़ना है प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स। जब हम एनिमल्स पाते हैं तो उससे हमसे हमको कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट मिलता है ना। तो उस एनिमल से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, आज आपको वही पढ़ना है। ओके, तो एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस, दे गिव अस वेरियस थिंग्स। एनिमल्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, वो हमें बहुत सारी चीज प्रदान करते हैं, देते हैं। ओके, तो अब आप बारी बारी से पढ़िएगा कि जो एनिमल्स है वो हमें क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं, क्या क्या चीज हमको देते हैं। तो सबसे पहले काउ, गॉट एंड बफेलो गिव अस मिल्क। जो काउ है, गॉट है और बफेलो है, उससे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, दूध मिलता है। ओके, हेंस एंड डक गिव अस एग। कुछ एनिमल्स, ये फ्लाइंग एनिमल्स है, तो इनसे हमें क्या मिलता है, एग मिलता है, अंडा, है ना। सीप एंड गेट उल। सीप को हम लोग क्यों पालते हैं, उससे हमें ऊन मिलता है, जिससे हम जो भी उलन क्लॉथ होता है सीप के द्वारा निकाले गए उल से ही हम बनाते हैं। ओके, अब क्या है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। जो सिल्क वर्म है, एक कीड़ा है, जिससे हम क्यों पालते हैं इसको, सिल्क वर्म से हमको सिल्क मिलता है। जो सिल्क एक जो भी कपड़ा बनते हैं वो सिल्क वर्म से ही हमें प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड होता है। ओके, उसके बाद हमको एनिमल्स किससे क्या मिलते हैं, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी। जो हनी मधुमक्खी है, हम उसका क्यों पालते हैं, मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है ना, शहद मिलता है। तो वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी, हमको हनी कहाँ से प्राप्त होता है, हनी बी से प्राप्त होता है। ओके, अब क्या है, लेदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। जो भी लेदर का, चाहे वो बैग हो, चाहे वो शूज हो, है ना, बेल्ट हो, जो भी हम सामान लेदर का यूज करते हैं वो क्या चीज से बनता है, वो
स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, जो भी एनिमल्स है डेड एनिमल्स, उसके स्किन से, उसके चमड़े से क्या बनता है, लेदर बनता है। तो ये आपने पढ़ा कि हमें, हमारे लिए एनिमल्स क्यों इम्पोर्टेंट है और एनिमल्स से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ओके, अब जब हम एनिमल्स को रखते हैं तो हमको एनिमल्स की क्या करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। ओके, उसका केयर करना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स क्या है, बहुत फ्रेंडली नेचर के, उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। तो हमें, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एनिमल्स का भी केयर करें। कैसे केयर करें वो समझ लेती है। केयर ऑफ एनिमल्स, वी प्रोवाइड गुड फूड एंड फ्रेश वाटर। आप जब एनिमल्स को पालते हैं, वो पेट एनिमल्स को, हाँ, तो आप जब पालते हैं तो उसको अच्छा खाना दीजिए और साफ पानी दीजिए। ओके, सेकेंड क्या है, क्लीन एंड मेंटेन देयर। जैसे आपको अच्छा लगता है कि हम साफ सुथरे जगह में रखें, उसी तरह अपने जो एनिमल, आपने जो एनिमल्स पाला है या पालते हैं, तो उस, वो जहाँ रहते हैं वो जगह भी क्या होना चाहिए, नीट और क्लीन। ओके, अब थर्ड क्या है, टेक देम टू द वेटरनरी डॉक्टर व्हेन दे आर सिक। जब भी कोई एनिमल्स बीमार पड़ता है तो हमें उसे कहाँ ले जाना चाहिए, वेटरनरी डॉक्टर। जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसी प्रकार जब एनिमल्स बीमार पड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, पशु चिकित्सक के पास ले, जो वेटरनरी डॉक्टर है उनके पास ले जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस लेसन को अच्छे से घर पे पढ़ लोगे, इसको लर्न कर लोगे। ओके, थैंक यू।